क्या आपको सीखना है ड्राइविंग? तो अभी कांटेक्ट कीजिए डिगलीपुर के बेस्ट मजूमदार ड्राइविंग स्कूल, जहां पर आपको टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और हैवी व्हीकल सिखाया जाता है। तो अभी कांटेक्ट कीजिए मजूमदार ड्राइविंग स्कूल 03192272600 और 9531972706 और 9531817883। नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आज हम आए हैं राधानगर गांव पे। यहाँ पर PMAY के तरफ से घर दिया गया, आप देख सकते हो पीछे है। तो आज हम बताना चाहेंगे, हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं जो कि PMAY के बारे में। यहाँ पर हो रहा है लाखों का घोटाला। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, PMAY घर जो है, घर बनाने के लिए इन लोगों को 1,20,000 दिया जाता है और 90 डेज़ का इनका हाजिरा दिया जाता है। PMAY घर ये होता है जिसमें आप, जिसके पास घर नहीं होता उनको घर दिया जाता है, एवं जिसके पास जगह है और घर नहीं है उनको अपने जगह पर घर बनाकर दिया जाता है। तो आज हम यहाँ आए हैं और हमें ये भी पता चला है यहाँ पर 18 फैमिली को घर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 परिवार ही रहते हैं। काफ़ी सारा घर जो है कंप्लीट हुआ है, काफ़ी सारा घर कंप्लीट नहीं हुआ है। आखिर क्या है, हम जाते हैं, बात करते हैं और इस बड़े खुलासे को हम आपको दिखाएंगे आज कि PMAY घर का लाखों का घोटाला क्या है। आइए, घर जो बनाए कितना साल से बना हुआ है? बना हुआ है 2 साल से। 2 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल चंद्र दास। गोपाल जी, आप मुझे बताइए यहाँ कितना परिवार रह रहे हैं? इधर फिलहाल 4 परिवार रहता है और हम लोग का घर मिला है 18 परिवार का जी। तो हम लोग का 100 दिन का जो पैसा है 90,000 वो नहीं मिला करके इन लोग बनाए नहीं, घर छोड़ के चले गए। और जो हम लोग बना दिए उन लोग को बोला कि हम लोग का कंप्लीट हो गया, उसलिए तुम लोग का 90,000 नहीं मिलेगा। जो नहीं बनाए उनको दिया ही नहीं 90,000, और जो बना दिया उनको बोला गया कि कंप्लीट हो गया, आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो 18 लोग है इनको ना ही पैसा दिया गया जो कंप्लीट कर गया, और जो कंप्लीट नहीं किया उनको पैसा दिया ही नहीं, किसी को ही दिया नहीं। इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ के परिवार चले गए नहीं बना? हाँ, वही मेरे हिसाब से लगता है, उन लोग उसी के वजह से ही चले गए। घर बनाने का जो 1,20,000 होता है वो दिया गया था? हाँ, दिया गया था। अभी सिर्फ 4 परिवार यहाँ रहते हैं। 4 परिवार रहते हैं। ठीक है, हम जाते हैं अंदर, देखते हैं, बात करते हैं। 18 घर है यहाँ पे, देखते हैं कितना घर कंप्लीट हुआ है और लोग रह रहे हैं। अभी यहाँ पे रहते हैं ना? है। कितना साल से है? आपका कौन सा घर है? ये घर है। है। आप रह रहे हैं 2 साल से? है। जब से बना है? है। और ये घर किसका है? मौसी। आप लोग भी रहते हैं? हाँ। जी, हालांकि यहाँ पे दोनों परिवार रह रहे हैं। और एक परिवार बाकी, हमने कहा 4 परिवार यहाँ रहते हैं। परिवार उस साइड में रहते हैं। अच्छा, आप देख सकते हो ये भी एक घर है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये किसका घर है सर? हाँ। ये लोग कहाँ रहते हैं कुछ पता है? लक्ष्मीपुर में रहते हैं। यहाँ क्यों नहीं आए इन लोग? इन लोग आए नहीं, क्यों नहीं आए मेरे को पता नहीं है। मेरे को जितना डाउट होता है इस लोग 100 दिन का पैसा नहीं मिला करके ही आए नहीं आए। तो आप देख सकते हो रीजन मोस्टली यही मिल रहा है कि 90 दिन का जो इनका पैसा हाजिरा होता है, जो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको पहले ही बोला था कि 1,20,000 घर बनने के लिए मिलता है और बाकी जो काम करते हैं लोग, लेबर को देना पड़ता है, उसका 90 डेज का हाजिरा इनको मिलता है। कितना रुपया करके सर? 240 रुपया। 240 रुपया पर डे 90 डेज को इनको देना पड़ता है। अब यहाँ जो परिवार नहीं रह रहे हैं, हालांकि हमें इतना भी सुनने मिलता है किसी को जो अपना जमीन भी रहते फिर भी घर लेते हैं, उसके बाद जो घर तो मिल जाता है बनाते भी नहीं, रहते भी नहीं है। मुद्दा आज ये है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर घर बनाना स्टार्ट तो करे है, मैं कैमरामैन से कहूँगी अंदर आके दिखाए भी। जैसे कि PMAY का घर होता है 1,20,000 का, उसमें उनको इतना पक्का करना होता है, राइट सर? आधा दीवार होता है, उसके बाद 90 डेज का जो इसको हाजिरा मिलता है। लेकिन देखिए घर आधा अधूरा बना हुआ है, 2 साल हो चुका है जो गवर्नमेंट इनको पैसा दे रहे हैं, लेकिन घर अभी तक इनका बना नहीं है और परिवार यहाँ नहीं रह रहे। 18 घर में सिर्फ 4 घर परिवार रह रहे हैं और काफ़ी लोग हैं, हम उनका लिस्ट तो नहीं जानते, किस कारण से वो यहाँ नहीं रह रहे हैं वो भी हम जानेंगे।
ये जो घर है ना, ये सब में बड़ा बड़ा सेफ्टी टैंकी बना हुआ है, कोई नहीं रहता है, इधर मच्छर बनता है पूरा। ओके ओके, ये देख सकते हो, एक हाल देखिए, या तो ये परिवार को यहाँ लाया जाए और सेटल किया जाए, अदरवाइज आप जानते हो इतने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और इनको मिला है, क्यों नहीं रह रहे। मैं चाहूँगी विस्तार से इनका जानकारी ले, इनका इंक्वायरी हो कि किस लिए लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं। तीन परिवार वहाँ देखे थे और बाकी एक जो परिवार यहाँ रह रहे हैं, ये उनका घर पे आए, शायद यहाँ पे भी कोई नहीं रहता है। ये घर तो कंप्लीट लग रहा है। हाँ, ये घर कंप्लीट है जी, ये घर कंप्लीट है। बुड्ढा गांधीनगर में रहते हैं, उधर से फिर आते जाते इस तरह करते। ये देखिए, यहाँ भी एक घर कंप्लीट है, लेकिन ये व्यक्ति भी कहीं और रह रहे हैं, ये घर पे नहीं रह रहे। अब देख सकते, ये भी घर कंप्लीट हो गए, ये घर काफी, इसमें भी एक परिवार रह रहा है, जैसे कि देख के हमें पता चल रहा है। ये घर भी नहीं बना, ये घर भी कंप्लीट हो गया है। कभी आप गए थे पूछे कि आपको ये हजीरा का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हम गए थे, गए के पूछे, पंचायत में जो ग्राम सभा मीटिंग होता है उसमें वीडियो सर था, बहुत बड़ा बड़ा बाबू लोग था, उस टाइम पूछा गया तो उस लोग बोलते ऊपर से ऑर्डर आया कि हम लोग का घर कंप्लीट हो गया करके नहीं दे सकता। घर कंप्लीट हो गया नहीं दे सकता, और जो कंप्लीट नहीं किया उसको भी नहीं दे रहे? उसका भी नहीं दे रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है? कौन बोला आपको ये बात? वीडियो सर खुद बोले। वीडियो सर आपको खुद बोला? खुद बोले, खुद बोला कि घर कंप्लीट हो गया तो आपको हम लोग जो 19 डेज का ऊपर से ये होकर आ रहा है उसको हम लोग नहीं देंगे, और जिसका कंप्लीट नहीं हुआ उनको तो ऑलरेडी दे ही नहीं रहे क्योंकि उनका कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो हम बात करेंगे, वीडियो सर से भी बात करके जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है। यहाँ पर काफ़ी लोग घर बना के रहते तो है, और काफ़ी लोग घर बनाए तो है लेकिन रहते नहीं है, और काफ़ी लोग ने अभी तक तो घर कंप्लीट ही नहीं किया है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगी कि इस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, आखिर ये लोगों के पास अगर दूसरे जगह घर है तो ये इस घर के लिए क्यों अप्लाई करे हैं। और मैंने जैसे कि कहा था कि मैं एक बड़ा मुद्दा को लेकर आज खुलासा करने वाली हूँ, तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर जो 90 डेज का इनको हाजिरा दिया जाता है वो एक दिन का होता है 240 रुपये। तो आप देख सकते हो पूरे 90 डेज का होता है इनका 21,600 रुपये, और जब आप 18 परिवार को ये पैसा देते हैं तो इनका पूरा होता है 3,88,800 रुपये। तो आप समझ सकते हो कितना बड़े अमाउंट का घोटाला होता है। तो अभी यहाँ पर बात नहीं रुकती है, अगर आप पूरे डिगलीपुर में देखेंगे 3 से 4 जगह जो है ऐसा घर दिया गया है, तो उनको भी अगर हाजिरा नहीं दे रहे तो कितना बड़ा अमाउंट का घोटाला चल रहा है। और अगर पूरे अंडमान का अगर ठीक से इंक्वायरी करेंगे, अगर वहाँ भी अगर यही चीज़ चल रहा होगा तो आप सोच सकते हो करोड़ों में ये चीज़ का घोटाला चल रहा है। तो इस पर इंक्वायरी जल्दी से जल्दी की जाए। और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।